अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा चिकन तंदूरी की रेसिपी। विदाउट ओवन हम इसको आज बनाएंगे और बहुत इजी वे में ये बन के तैयार होता है। तो चले झटपट से देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चिकन लेग पीस लिया हुआ है और उसको इस तरीके से कट लगा लिया है। आगे पीछे से दोनों साइड से मैंने अच्छे से इसको कट लगाया है। आप भी इसी तरीके से लगा लें। आप अगर चाहें तो पीस भी, चिकन के पीस भी ले सकते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे से। बोनलेस लिया हुआ है मैंने। तो चलिए अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन का मसाला रेडी कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही को छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। मैं इसको ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। भर के ले लूँगी मैं, क्योंकि टोटल चिकन जो है मेरा 1 किलो है। अगर आप चाहें तो कम लेंगे तो कम इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर लिया हुआ है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर लिया हुआ है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लेमन का जूस निकाल लिया था, इसको मैं ऐड कर दूँगी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसालों में चिकन के पीसेस को अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। इस तरीके से हाथों के मदद से मसालों को अच्छे से चिकन में लगा लें और इसी तरीके से हम सारे चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को अच्छे से मसाले में लगाने के बाद, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल 2 टेबलस्पून। मैंने इसमें हल्का गुनगुना ऑयल को ऐड किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये ऑयल। और हम इन सारी चीज़ों को और एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। मैं यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो चुका है। गैस पे मैंने ग्रिल पैन चढ़ा दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने उसमें ऑयल ऐड किया था और थोड़ा सा बटर ऐड कर लिया था। ये दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन को। अगर आपके पास इस तरीके का ग्रिल पैन ना हो तो आप सादे पैन में भी इसको बना सकते हैं। बस चिकन को इस तरीके से पैन में ऐड कर लेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम पे रखने से ये जल जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा, तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही आप कुक कर लें। इसको बीच बीच में चेक करते रहें और उलट पलट करके इसको पका लें अच्छे से, ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए, कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। विदाउट तंदूर और विदाउट ओवन आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। ज़रूर से इसको बनाएं और अपना फीडबैक मुझको ज़रूर से दें। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं इसको पलटा दूँगी और पलटा के भी इसको कुक कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से इसमें कलर आ रहा है। बहुत अच्छे से आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक ना करें, क्योंकि ये अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ना, ये जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा रह जाएगा। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरा बन के तैयार है। तो चलिए मैं झटपट से इसको डिश आउट कर लेती हूँ। देखा आपने कितना झटपट से बनके तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर से बनाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर लौट के आऊँगी सिंपल एंड डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।